गाइस आपने बहुत बार देखा होगा जब भी आप अपने किसी फेवरेट यूट्यूबर की लाइव देख रहे हो और वो CS रैंक खेल रहे हो या फिर कोई भी और गेम मोड खेल रहे हो, मेनली CS रैंक में ही होता है कि उनके सामने कुछ प्लेयर्स आए हैं एंड वो बोल रहे हैं कि भाई ये मैच मेकिंग करके हमारे सामने आए हैं। तो आप भी ये जरूर सोचते होगे कि कैसे हम भी मैच मेकिंग करके अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के अगेंस्ट खेल सकते हैं या फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स के अगेंस्ट खेल के उनको हरा सकते हैं, या फिर आपको मतलब होता है ना कि भाई हर किसी की इच्छा होती है कि यार हम भी इनके अगेंस्ट खेलें, मतलब इनके साथ मैच मेकिंग करके जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप मैच मेकिंग करके अपने फेवरेट यूट्यूबर्स के सामने जा सकते हो एंड उनको हरा सकते हो या फिर उनसे हार सकते हो, है ना। देखो जीतो या हारो यार एक्सपीरियंस तो मिलता है, तो मैच मेकिंग करने का हर किसी का मन करता है। तो अभी आपको मैं जल्दी से बता देता हूं कि कैसे आप भी मैच मेकिंग कर सकते हो, बट उससे पहले आप सभी को एक काम करना है जो कि है चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सभी के सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अभी आपको बता देता हूं, देखो अगर आपको किसी से भी मैच मेकिंग करनी है, सपोज कर कोई यूट्यूबर है जिसकी जो कि CS रैंक खेल रहा है अपनी लाइव स्ट्रीम पे, मान के चलो एक बार के लिए वो यूट्यूबर मैं ही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि वो यूट्यूबर की सबसे पहले आपको UID पता होनी चाहिए। देखो जैसे कि मेरी ये वाली UID है, UID भी नहीं उसका लास्ट डिजिट ही पता होना चाहिए। जैसे मेरी UID के लास्ट डिजिट में 9 आता है, तो मेरी UID का जो लास्ट डिजिट है ये ऑड नंबर है। जो ऑड नंबर है आपको पता ही होगा, 1, 3, 5, 7, 9 ये ऑड नंबर होते हैं, इवन में आगे 2, 4, 6, 8 है ना, ऐसा होता है। तो अगर आप जो जिस यूट्यूबर के साथ आप मैच मेकिंग करना चाहते हो उसके लास्ट में ऑड नंबर है, तो जो बंदा ग्रुप बना के बैठा है उसकी UID के एंड में भी ऑड नंबर ही होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 9 ही है, 7, 3, 5 कुछ भी हो सकता है। अगर 9 ही मिल गया तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, उससे ईजी मैच मेकिंग हो जाएगी। बट 3, 5, 7 इनसे भी मैच मेकिंग हो जाती है, कोई इशू नहीं आता। मतलब अगर जिसने ग्रुप बनाया हुआ है जिस यूट्यूबर से आप मैच मेकिंग करना चाहते हो उसके लास्ट में जो डिजिट आता है वो आपको चेक कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग आपको भी उसी बंदे से ग्रुप बनवाना है जो कि स्टार्ट करेगा, जिसका अगर ऑड नंबर है उस यूट्यूबर की आईडी के लास्ट में तो ऑड नंबर हो, अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर हो। एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ग्रुप किसने बनाया है, क्या उसी यूट्यूबर ने ग्रुप बनाया है या फिर उसके किसी फ्रेंड ने बनाया है। यूट्यूबर्स की आईडी तो आपको इजीली मिल जाती है, बट अगर किसी उसके फ्रेंड ने ग्रुप बनाया तो उसकी UID फाइंड करने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। बाकी मिल जाती है यार, यूट्यूबर्स ही बनाते हैं मेनली तो ग्रुप, तो उनकी आईडी तो आपको आराम से मिल जाती है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंडली आपके ग्रुप में बस एक PC प्लेयर होना चाहिए, PC प्लेयर के साथ ही आप मैच मेकिंग कर सकते हो। मोबाइल प्लेयर होंगे अगर तो नहीं, सिर्फ एक ही PC प्लेयर चाहिए, एक ही PC प्लेयर है ना, और कुछ नहीं। एंड पहले स्टार्स वगैरह का सीन होता था, अब कुछ भी वैसा सीन नहीं रहा है। एंड सेकेंडली जब आप उनकी लाइव स्ट्रीम चेक करोगे ना तो आपको वहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे मेरे यहाँ पे CS रैंक के नीचे आ रहा है रैंडम मैप, क्या उनके नीचे भी यही आ रहा है? कहीं उनके नीचे बरमूडा वगैरह खेला, बरमूडा तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा होता है उनके नीचे बरमूडा आ रहा है तो आपको अपने बाकी के मैप्स को डिलीट कर देना है, इस चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है। बाकी मेनली तो रैंडम मैप ही होता है, फिर कोई इशू नहीं है। तो आपको यही काम करना है। एंड आपके जो आपकी टीम से बंदा ग्रुप बना रहा है, एक चीज़ मैं दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि सपोज करो मैं मैच मेकिंग करना चाहता हूँ किसी से एंड ग्रुप अगर मैंने बनाया है तो मेरी UID उस जो बंदा जिससे आप मैच मेकिंग करना चाहते हो जो उसका टीम लीडर है उसी उससे मेरी UID मैच होनी चाहिए। अगर ऑड नंबर है तो मेरी UID के एंड में भी ऑड नंबर होना चाहिए, अगर उसकी UID के एंड में इवन नंबर है तो मेरी UID के एंड में भी इवन नंबर होना चाहिए। बस ऐसे करके आप इजीली किसी भी यूट्यूबर से मैच मेकिंग कर सकते हो। बाकी आपको थोड़ा फास्ट तो होना पड़ेगा, उसकी लाइव स्ट्रीम को फास्ट फॉरवर्ड करके देखा करो, 2x पे देखा करो, फिर आप इजीली मैच मेकिंग कर सकते हो। एक आधी बार हो सकता है ना लगे, बट आप ट्राई करोगे तो इजीली लग जाएगी। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप भी किसी यूट्यूबर से मैच मेकिंग करके उसके सामने जा सकते हो। एंड आई विश कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पता लग जाए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, जल्दी मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।